हम। स्वीटी खरगोश, अब ये बहुत छोटे बच्चों के लिए लिखी है इसलिए इसमें हमने खरगोश और चांद को लिख दिया। स्वीटी खरगोश की बेटी सिल्की बड़ी प्यारी बच्ची, हमेशा हंसती खिलखिल जाती रहती है। जब हंसती तो सामने के दो दांत मानो खुद ही हंस पड़ते, उसकी हंसी आंखों में उतर आती और लगता जैसे दो काले मणि चमचमा रहे हैं। सभी दोस्त नाते रिश्तेदार सिल्की को बहुत प्यार करते थे, और क्यों न करते, सिल्की थी ही ऐसी। वैसे उसका नाम पूर्वा था, पर सब लोग उसे सिल्की कहते थे क्योंकि वह रेशम के गोले से सुंदर और नरम थी। सफेद मुलायम बालों वाला शरीर, गुलाबी होंठ, गुलाबी नाक और काली चिंचल आंखें, खरगोश देखा नजदीक से। पूर्वा अर्थात सिल्की स्कूल जाने लायक हुई तो माता पिता ने चंपक बाग नामक स्कूल में दाखिला करवाया। इस स्कूल की खासियत यह थी कि यहाँ रंग रूप खाना पीना जाति प्रजाति आदि के भेदभाव नहीं थे, सब बच्चे एक से थे। बड़े बड़े ताकतवरों के बच्चे भी वहाँ पढ़ते थे और कमजोरों के भी। शिक्षक शिक्षक शिक्षिकाएं सभी को प्यार से लगन से पढ़ा। सिल्की मिलनसार जाते ही उसके कई दोस्त बन गए। सबसे वो प्यार से खेलती, टीचर मिस का बहुत आदर करती थी, अपना काम समय पर पूरा करती और कुछ समझ में न आए तो पूछ भी नहीं। यही कारण था कि टीचर मिस उससे बहुत प्यार करती। यद्यपि सिल्की अपने सारे साथियों से मिलजुल कर रहती थी, फिर भी सही खरगोश उसकी खास दोस्त थी। सही शरारती और वो भी जानती थी। कई बार सिल्की को उटपटांग बातें भी सुना सिखा देती थी। सिल्की बिचारी सीखी थी, उसकी बातों में आ जाती फिर गलत बातों के लिए माँ से डांट पड़ती। एक दिन सिल्की की क्लास में एक नए बच्चे ने, बाकी बच्चे अपने नए साथी के चारों ओर मंडराने लगे। कुछ शरारती बच्चे उसे छेड़छाड़ भी करने लगे, नए लोगों को करते हैं ना एक तरीके से रैगिंग भी करनी चाहिए। कुछ चिढ़ाने लगे, कुछ मित्र बन गए। सिल्की दूर खड़ी होकर सारा खेल देखती रही। उसे चिंटू खरगोश जरा भी अच्छा नहीं, उसका नाम चिंटू था, वो भी खरगोश। सिल्की घर गई तो उदास थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ सिल्की, आज महारानी साहिबा का मोर क्यों बिगड़ा हुआ है? पहले तो वो कुछ नहीं बोली, फिर गुस्से से बोली, मुझे नहीं अच्छा लगा। क्या नहीं अच्छा लगा, माँ ने पूछा। वो चिंटू खरगोश, वह नाक को चिढ़ा के बोली। कौन कौन है चिंटू खरगोश? माँ हमारी क्लास में नया आया है, तो तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा? देखिए लोगों को एकदम से बुरा कहना ठीक नहीं है। क्या किया है उसने? माँ मुझे नहीं अच्छा लगा, वह काला है। माँ समझ गई, चंपक वन की दक्षिण की ओर रहने वाले कुछ खरगोश मटमैले और ब्राउन रंग के होते हैं, चिंटू वहीं से आया होगा। माँ शायद वह नापानी होगा या फिर साबुन नहीं लगाता होगा, तभी काला है, तभी मैला है। किसने कहा ये सब, माँ ने पूछा। सिल्की बोले, सही ने बताया। उस शाम माँ बाजार गई और सिल्की के लिए एक महंगी बार्बी डॉल लेके आई। गुड़िया देखकर पहले तो बहुत खुश हुई सिल्की, नाचने लगी, पर माँ ने जब पैकेट खोला, गुड़िया पकड़ाई तो सिल्की का मुंह खुल गया। मुझे नहीं चाहिए ये काली बार्बी, सिल्की रुकते हुए बोली। क्यों बेटे? माँ यह काली है, तुम जानती हो ना, कुछ बार्बी डॉल्स बहुत बुरी होती हैं, कुछ ब्लैक भी होती हैं। मुझे मेरी तरह की चुंदल चुंदल गोली गोली नहीं करना चाहिए। चलो रहने दो इसे, फिर किसी दिन मैं बाजार जाऊँगी ना तो इसे बदल के गोली गोली चुंदल चुंदल गुड़िया तुम्हारे लिए लेके आऊँगी, तुम्हारे लिए। इतना कहकर माँ ने ब्राउन गुड़िया उठाकर रख दी। कुछ देर बाद माँ ने देखा सिल्की उस ब्राउन गुड़िया से बतिया रही, सही भी उससे बातें कर रही थी।
कई दिन बीत गए। सिल्की स्कूल से आते ही अपनी ब्राउन गुड़िया उठाकर घंटों खेलती रहती। अन्य बच्चे भी उसके पास आने लगे और उसकी गुड़िया बड़ी लोकप्रिय हो गई। एक दिन माँ तैयार होकर आई और बोले, सिल्की आज मैं बाजार जा रही हूँ, लाओ अपनी ब्राउनी मुझे दे दो, बदल कर कोई गुड़िया लेके आ। नहीं, मैं अपनी ब्राउनी नहीं दूंगी, सिल्की ने एकदम से पीछे कर दिया और रोने लगी, मैं नहीं दूंगी। क्यों? माँ ने पूछा। माँ, यह सुंदर है, यह प्यारी है, सिल्की बोली। पर सिल्की, यह नहाती नहीं होगी, सुंदर और गोरी भी नहीं है, तुम्हें और सही को गंदी लगती होगी, जैसे तुमको वो खरगोश भी गंदा लगता है ना चिंटू खरगोश, वैसा। माँ ने गुड़िया को उठाकर कहा। नहीं माँ, सिल्की ने गुड़िया खींच ली और पीछे छुपा ली। माँ समझ गई सिल्की को अपनी ब्राउनी से प्यार हो गया है। तब माँ ने सिल्की और सई को पास बिठाकर समझाया कि काले गोरे ब्राउन सभी भगवान के बनाए हुए हैं। लोग बुरे विचारों से बुरे होते हैं, बुरे कामों से गंदे होते हैं, रंग से नहीं। सिल्की चतुर थी, एकदम से बोली, पर माँ अब तो चिंटू खरगोश हमारा दोस्त है, हमें अच्छा लगता है। माँ ने सिल्की और सई दोनों को दिल से लगाया, उनका सिर चूम लिया और उनका ऐसे ही मिलजुल कर